मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम फाइनल ईयर के हिंदी मीडियम का सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स क्लास की प्रॉब्लम नंबर 7 इंडेक्स नंबर्स में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर्स जो है उसके अंतर्गत टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर्स के बारे में एक प्रॉब्लम आज पढ़ेंगे और उसकी सोल्यूशन देखेंगे। मैं हूं आपका प्राध्यापक डॉक्टर के वी सोमनाथ, जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा, महाराष्ट्र। पहले प्रॉब्लम क्या है एक बार ओवरलुक करते हैं। कंप्यूट फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर एज कैलकुलेटेड एंड शो हाउ इट सेटिस्फाइज द टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। यानी फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करना है और ये कैसे टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा उसके बारे में अपने को वो टेस्ट परफॉर्म करना है। सबसे पहले प्रॉब्लम देखो, कमोडिटी ए बी सी डी करके चार तरह के कमोडिटीज दिए गए हैं। एक बेस ईयर का प्राइस और क्वांटिटी दिया गया है और करंट ईयर का प्राइस और क्वांटिटी दिया गया है। अब इसकी सॉल्यूशन कैसा है देख लेते हैं। तो अपने को जो प्रॉब्लम में दिया हुआ जो कमोडिटी ए बी सी डी, बेस ईयर का प्राइस और क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस और क्वांटिटी को एज इट इज ले लेते हैं और बेस ईयर का जो प्राइस को पी जीरो मानते हैं, क्वांटिटी को क्यू जीरो मानते हैं, करंट ईयर का प्राइस को पी वन मानते हैं और क्वांटिटी को क्यू वन मानते हैं। उसके बाद अपने को कैलकुलेट करना है पी जीरो क्यू जीरो, पी वन क्यू जीरो, पी जीरो क्यू वन और पी वन क्यू वन। तो सबसे पहले अगर अपन देखेंगे तो P0 Q0 कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये P0 है, ये Q0 है। 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 4 20, 7 इंटू 2 14, 2 इंटू 3 6। उसके बाद है P1 Q0, ये है P1 और ये Q0। 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 4 24, 9 इंटू 2 18, 1 इंटू 3 और उसके बाद है P0 Q1, ये है P0 और ये Q1। 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 4 20, 7 इंटू 2 14, 2 इंटू 5 10। अब नेक्स्ट है P1 Q1, ये है P1, ये है Q1। 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 4 24, 9 इंटू 2 18, 1 इंटू 5 5। तो इसकी जो समेशन है, समेशन ऑफ P0 Q0 52, समेशन ऑफ P1 Q0 63, समेशन ऑफ P0 Q1 52 एंड समेशन ऑफ P1 Q1 59। ऐसा समेशन करना अनिवार्य है। अब इसके बाद फिशर आइडियल इंडेक्स कैसे फॉर्मुलेट करते हैं उसकी फार्मूला देख लेते हैं। P01 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ समेशन ऑफ P1 Q1 बाय समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू समेशन ऑफ P1 Q1 बाय समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ 63 बाई 52 इंटू 59 बाई 52 इंटू 100। सो इसका टोटल वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1.375 इंटू 100 इज इक्वल टू 1.172 इंटू 100 इज इक्वल टू 117.3। ये आया फिशर्स आइडियल इंडेक्स जो अपन करते हैं। फिर उसके बाद टाइम रिवर्सल टेस्ट करते हैं। टाइम रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला है पी 10 इंटू पी 01 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 63 बाई 52 इंटू 59 बाई 52 इंटू 52 बाई 59 इंटू 52 बाई 63 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। सो टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड। अब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है पी 01 इंटू पी 01 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 63 बाई 52 इंटू 59 बाई 52 इंटू 52 बाई 59 इंटू 52 बाई 63 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 59 बाई 52 इंटू 59 बाई 52 दैट इज इक्वल टू 59 बाई 52। सिंस सिग्मा पी वन क्यू वन बाई सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इज ऑल्सो इक्वल टू 59 बाई 52 द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। ये जो फार्मूला इसके पहले जो डॉक्यूमेंट में गूगल में भेजा था तो वो डॉक्यूमेंट आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या है, वो कैसे कैलकुलेट करना है, उसकी फॉर्मूला क्या है, वो आपको ध्यान में आएगा। आई होप यू मैट हैव अंडरस्टूड वेल एंड यू प्रैक्टिस मच मोर देन यू विल बी एबल टू डू इट। आप जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा प्रयास आपको सफलता मिलेगा, आपको आदत लगेगी फार्मूला का और उसको टेस्टिंग करने का। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।